कश्मीर में जो काम हो रहा है इस वक्त वो पेपर माशी का भी हो रहा है, उसके अलावा हमारे यूनिवर्सिटी में ये अपना क्या फाइन आर्ट्स और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग सिखाई जा रही है। लेकिन जो मेरा काम है, जो मैंने शुरू किया है, उसमें कैलीग्राफी है, पेंटिंग है और पोर्ट्रेट्स हैं, पेंसिल पोर्ट्रेट। इसके अलावा मैंने अब तकरीबन 1.5 साल से आज़ाद कश्मीर में एक आर्ट गैलरी कायम की है, और उस यानी ये आज़ाद कश्मीर की वाहिद आर्ट गैलरी है जो मैंने कायम की, और इसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब फारूक हैदर ख़ान ने किया है। असल में पेंटिंग का जो यानी आज़ाद कश्मीर में जो मुस्तकबल है वो रोशन है, तो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो भी तआवुन करती है। और इस दफ़ा मुझे लोक विरासत में हमारे आज़ाद कश्मीर से जनाब मलिक शौकत याज ख़ान साहब, उन्होंने ख़ुद जा के मुझे गैलरी में दावत दी और यहाँ पे मुझे ये स्टॉल मुहैया किया, और यहाँ के जो यानी अपने लोक विरासत के मुंतज़िमीन हैं उन्होंने भी मुझसे बहुत सा तआवुन किया है, और मुझे ये जगह खुली जगह उन्होंने कहा आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप इसके ऊपर छत डालें, आप खुली जगह पर लगाएँ और आपसे जितना भी हमसे हो सका हम तआवुन करेंगे। और मज़ीद में इंशाअल्लाह अब वहाँ पे चूँकि मैंने आर्ट गैलरी तो कायम कर दी, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ कोई ऐसी एकेडमी कायम करूँ कि जिससे बाकी बच्चे जो हैं आज़ाद कश्मीर के वो फैज़याब हो सके। अब लोग कुछ लोग जो हैं वो पेनाफ्लेक्स पे आ गए हैं, कुछ लोग इंटरनेट से तस्वीरें लेते हैं और वो जाके प्रिंट करवा लेते हैं, तो ये जो आज का काम है ये तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। तो हम जैसे लोग जो है उम्र रसीदा लोग, उनको चाहिए कि अब उनके दिन ख़त्म होने वाले हैं क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, वो अपने पीछे उन लोगों को छोड़ के जाएँ जो इस काम को जारी सारी रखें। अच्छा जी, आपसे एक दूसरा सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप तो ये कह रहे हैं कि आपने आर्ट गैलरी खोल रखी है और इसके साथ साथ क्या जो यंग जनरेशन है या जो नौजवान तबका है क्या वो इस आर्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, क्या वो आपके पास आ रहे हैं सीखने के लिए, क्या इसके ऊपर आप कुछ अपनी रोशनी डालें? असल में जो नौजवान नस्ल है ना उसमें सीखने के वो हैं, लेकिन असल में ये है कि इस काम में देर लगती है, यानी सीखने में टाइम भी लगता है, और फिर इसके मुख्तलिफ शोबा जाते हैं, और किसी कोई कैलीग्राफी करता है, कैलीग्राफी करने वाला जो है सीखने के लिए उसे कलम पकड़नी पड़ती है, और इसी तरह बाकी जो शोबे हैं उसमें भी अलग अलग तरह से, लेकिन जो बच्चे सीखने वाले हैं ना वो कहते हैं एक ही दिन में हम सीख जाएँ या यानी चंद हफ्तों में या चंद महीनों में, तो इसलिए जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने रखा हुआ है वो भी कोर्स 4 साल का है, तो 4 साल नहीं तो अगर आदमी यानी उसके अंदर अगर उसकी ड्राइंग अच्छी हो तो वो जल्दी भी सीख सकता है, लेकिन ये है कि उसमें इतना होना चाहिए, उसके अंदर वो मादा होना चाहिए कि वो ये कोशिश करे कि मुझे अगर थोड़ी देर लगती है तो मैं इसको अधूरा ना छोड़ूँ, इसे मुकम्मल सीख के फिर मैं अपना मुकाम बनाऊँ, तो ये है कि जल्दी बहुत है।